myself and a psychologist, so that's up to you. I welcome you all in the series of paraphilic disorders, and today will be the third video of this series in which I will be discussing about few of the algolignic disorders. Okay, I'm so sorry, not few, but algolignic disorders. Paraphilic disorders ke under different types and different categories and different disorders ke hawale se last time jo discuss kiya gaya tha jis video ke bare mein wo thi hamare paas courtship disorders. Aaj jo video main record kar rahi hu ya jo is video ko record karne ka purpose hai wo ye hai ki aap sabko information di jaye about algolignic disorders. Algolignic disorders kya hote hain, kis tarike se wo कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और एल्गोलिथनिक डिसऑर्डर्स का दूसरे पर्सन्स के ऊपर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, वो सारी की सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के सीरीज में. सो लेट्स टॉक अबाउट एल्गोलिथनिक डिसऑर्डर. एल्गोलिथनिक का इटसेल्फ मीनिंग है क्रेविंग फॉर सेक्सुअल पेन. क्रेविंग का क्या मतलब होता है कि जब दो में से एक पार्टनर जो है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आ रही हो कि उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली, इमोशनली या फिजिकली पेन दी जाए, तो उसको हम काउंट करते हैं एल्गोलिथनिक के तौर पे. और जो सैडिज्म एंड मेसोकिज्म है उनको अगर हम देखते हैं तो कलेक्टिवली हम इस चीज़ को नाम देते हैं सैडोमेसोकिज्म का. आज का जो हमारा सीरीज़ होगा, पहले मुझे लग रहा था कि शायद मेसोकिज्म और सैडिज्म बहुत ज़्यादा छोटे से टॉपिक्स होंगे, तो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर वीडियो कवर हो जाएगी और एक अच्छा सा कॉन्टेंट बन जाएगा. लेकिन जब मैंने इस चीज़ पर पढ़ना शुरू किया और मैं रिसर्चेज पढ़ती गई, रिसर्च आर्टिकल्स के जो है मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े, देन आई केम टू नो कि इट इज़ अ वेरी डीप डाउन डिसऑर्डर जिसके बारे में हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, या जिस तरीके से कपल्स इंटरकोर्स कर रहे होते हैं या सेक्सुअल प्लेजर गेन कर रहे होते हैं उनमें से आधे ज़्यादा चीज़ें तो जो है वो या तो मेसोकिज्म के अंदर अकाउंट होते हैं या वो सैडिज्म के अंदर अकाउंट होते हैं. लेकिन कभी भी कोई भी इंसान या जो कोई मेल है या जो फीमेल है वो इन चीज़ों के बारे में बोलता नहीं है, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि अगर उसने ये चीज़ किसी के सामने डिस्कस कर दी या डिस्क्लोज कर दी तो शायद उसके बारे में कितना ज़्यादा लोग नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो लेंगे. मेरा वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने का, अपलोड करने का, हर जगह पर शेयर करने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग इन डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं उन तक मेरी आवाज़ जाए और उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में एक नो भाव हो जाए कि जिस प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है. सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टर्म्स एंड साइकोलॉजिकल जार्गन्स के ऊपर जो मेसोकिज्म के अंदर जो है वो डिस्कस की जाती हैं. पहले मैं डिस्कस करूँगी सेक्सुअल मेसोकिज्म डिसऑर्डर को और फिर मैं डिस्कस करूँगी सेक्सुअल सेडिज्म डिसऑर्डर को. सेक्सुअल मेसोकिज्म डिसऑर्डर को हम मेसोकिज्म भी कहते हैं, और मेसोकिज्म के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स आ जाते हैं. और ये सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है वो किस टाइम पे बनता है, जब एक इंसान के जो मेसोकिस्टिक ट्रेड्स हैं वो 6 मंथ्स की ड्यूरेशन को कंप्लीट कर जाए. वो जो पर्सन इस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है उसको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहने लगे, उसके डिफरेंट लाइफ के जो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इम्पेक्ट करने लग जाए, लाइक डिस्टर्बेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, और जिस पार्टनर के साथ वो चीज़ें कर रहा होता है वो पार्टनर भी उसका इस चीज़ से सफ़र करने लग जाए. तो ये 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो एक मेसोकिस्ट है उसको सेक्सुअल मेसोकिज्म डिसऑर्डर हो सकता है. उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई ऐसा पर्सन, ऐसा मेल या ऐसी फीमेल जिसको कभी भी डिस्ट्रेस नहीं होता, वो कभी भी अपनी इस चीज़ की वजह से परेशान नहीं होती, उसको डिज़ायर्स और फैंटसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं, लेकिन कभी भी वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस नहीं होगी या डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उसको हम मेसोकिज्म के अंदर अकाउंट करेंगे, लेकिन हम उस चीज़ को सेक्सुअल मेसोकिज्म डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे. तो अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स के ऊपर कि हमारे पास एक तो एल्गोलिथनिक टर्म होगी, एक हमारे पास टर्म आ जाती है जो चीज़ आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एक नहीं होगी. कुछ अफराद मेल्स या फीमेल्स में ऐसे होते हैं कि जिनको सेक्सुअल प्लेजर तब मिलता है जब उनको ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन हो जाए. डेफिनेटली डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू सेक्सुअल प्लेजर इन फ्यू मेसोकिस्ट्स. उस चीज़ को, उस टर्म को नाम दिया जाता है एस्फिक्सियोफिलिया का, एस्फिक्सियोफिलिया का. और ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि जो मेसोकिस्ट्स होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर आप उनका सांस बंद कर देंगे या आप उनको इसी ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ
पे सांस लेना दुश्वार हो जाएगा और उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को एस्फिक्सियोफिलिक्स जो है वो कहा जाता है। मैसोकिज्म के अंदर एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो आती है हमारे पास सबमिशन की। अगर जो मैसोकिस्ट हैं अगर वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि एक कपल है उसके अंदर जो फीमेल है वो अपने आप को इन्फीरियर साबित करवा लेगी, वो अपने आप को पावरलेस साबित करवा लेगी और वो ये करेगी कि उसके ऊपर सारे की सारी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, उसको पेन दी जाए, उसको साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया जाए, उसको ह्यूमिलिएट किया जाए। तो वो सारी की सारी जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सबमिसिव पार्टनर की, और जो मैसोकिस्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सबमिसिव का। अब अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसमें मैसोकिस्ट जो है ना वो यूज़ करवाना पसंद करते हैं या जिसके तरीके से मैसोकिस्ट को जो है ना वो तकलीफ दी जा सकती है। सो लेट्स टॉक है कि जो मैसोकिस्ट्स हैं वो किस तरीके से सेक्सुअल पेन लेना पसंद करते हैं, लाइक आप किस तरीके से उनको टॉर्चर करेंगे तो उनको सेक्सुअल प्लेजर गेन होगा। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है हैपर मैस्कुलिनिटी, कि अगर उन एक फीमेल है वो मैसोकिस्ट है तो वो कौन कौन सा तरीका होगा जो उसका मेल पार्टनर उसके साथ यूज़ करेगा तो उसका सेक्सुअल प्लेजर गेन होगा। सबसे पहले आ जाता है हैपर मैस्कुलिनिटी। अगर एक फीमेल का जो मेल पार्टनर है वो उसके ऊपर यूरिनेशन करेगा, लाइक उसके ऊपर है ना वो यूरिनेट करेगा, उसको सेक्सुअल प्लेजर फील होगा, रिमिंग करेगा उसको सेक्सुअल प्लेजर फील होगा। अगर मेल है तो मेल अगर मैसोकिस्ट है और उसकी जो फीमेल पार्टनर है अगर वो उसकी पीनिस बाइटिंग कर देगी तो उसको उससे बहुत ज़्यादा प्लेजर जो है वो फील होगा। अगर मेल है तो उसको एनल जो है ना वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी एनल इंसर्शन होगी तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करेगा, और अगर कोई फीमेल है तो कोई भी ऐसा फॉरन ऑब्जेक्ट अदर देन पीनस अगर उसकी वजह में या उसके एनस में इंसर्ट किया जाएगा तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर जो है वो गेन करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास तीन और जो है ना वो कैटेगरीज आ जाती हैं। दूसरी जो चीज़ आती है वो होता है इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, कि अगर एक फीमेल है और वो मैसोकिस्ट है और उसको जो है ना वो आप तकलीफ दोगे। अब आप तकलीफ किस किस तरीके से दोगे, उसमें आ जाता है कि कुछ टॉर्चर अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, साथ जो है वो आप नीडल के थ्रू, लाइक अगर आप एक फीमेल पार्टनर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा नीडलिंग करोगे, उसको बहुत ज़्यादा सुई चुभोएंगे या जो है ना वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे उसको, या आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर हॉट पैक्स डाल देंगे, उसको जो है ना वो आइसिंग उसकी कर देंगे, मतलब उसको एक नॉर्मल लिमिट से जब आप आगे जाके उसके ऊपर हॉट पैक्स गिराएंगे या आप उसकी बॉडी के ऊपर आइस रख देंगे तो इन चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर जो है वो गेन होगा। बाकी जो तो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं वो ये हैं कि आप एक बंदे को बांध देते हैं, बॉन्डेजिंग उसको हम कह देते हैं कि बॉन्डेज हो जाना, या जो है ना वो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन। तो जो तुम्हारे पास थर्ड ग्रुप आ जाता है, थर्ड ग्रुप के अंदर ये चीज़ होती है कि फिजिकल रिस्ट्रिक्शन। आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ के अंदर आपको ये दिखाया जाता है कि कुछ लोगों को बांध के उनके साथ सेक्सुअली जो है ना वो असॉल्ट उनका किया जाता है। अब उसके तरीके आ जाते हैं, या आप अगले बंदे को जो है ना वो उसके मुंह में कोई चीज़ डाल दोगे, उसको हम गैगिंग कहते हैं। गैगिंग में ये होता है कि आप उसके मुंह में कोई चीज़ डाल दोगे और वो उसका आवाज़ आना बंद हो जाएगी, लाइक फिजिकली आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया। या आप उसके हाथ बांध दोगे, हाथ बांधने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, या तो आप जो है ना वो चेन से बांध दोगे, हथकड़ियाँ यूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि आप उसकी स्ट्रेट जैकेटिंग के किसी भी कपड़े के साथ, आप कोई जैकेट ऐसा यूज़ करोगे या आप कोई ऐसा जो है ना वो पीस यूज़ करोगे कपड़े का कि जिसके अंदर उसका जो अपर बॉडी पार्ट होगा वो सारे का सारा बंद जाएगा और ही और शी वॉन्ट बी एबल टू मूव हिज और हर बॉडी पार्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो मम्मीफाइंग होता है। मम्मीफाइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस तरीके से एक मम्मी को पूरे का पूरा रैप अप कर दिया जाता है, उसी तरीके से मैसोकिज्म के अंदर जो पार्टनर होता है उसको पूरे का पूरा बांध दिया जाता है और फिर उसके साथ इंटरकोर्स किया जाता है या उसको तकलीफें दी जाती हैं। तो ये तीन से चार चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ग्रुप आ जाता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो पेन होती है वो किस तरीके से दी जाती है। अब वो जो चीज़ें आ जाती है वो ये होता है कि या तो आप अपने फीमेल पार्टनर को स्टैबिंग करोगे। स्टैबिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉइंटेड
वेपन के साथ आप उसको मारोगे या आप उसके साथ विपिंग करोगे। विपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो चाबुक होती है जिससे जो है ना वो घोड़ों को मारा जाता है या जिससे कोड़े मारे जाते हैं, आप अपने फीमेल पार्टनर को जो मैसोकिस्ट होगा उसको बांधोगे और फिर आप उसको कोड़े मारोगे, तो उस चीज़ से उसको सेक्सुअल प्लेजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गेन होगा। और साथ साथ अगर आप उसको जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बांध के तकलीफ दे रहे होते हैं और साथ आप उसके साथ इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है ये सेक्सुअल मैसोकिज्म के अंदर हम काउंट करते हैं। और आप देखें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिसके अंदर रस्सी आ जाती है, हथकड़ियाँ आ जाती हैं, कुछ बेड्स ऐसे बने होते हैं कि जिसके अंदर जिसके ऊपर जो है ना वो प्रॉपरली चेन्स लगी होती हैं, बांधने के लिए जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें होती हैं जो सेक्सुअल मैसोकिज्म के अंदर अकाउंट होती हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सेक्सुअल मैसोकिज्म के अंदर अकाउंट होती हैं। एल्गोलग्निक का जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि दो इसके अंदर डिसऑर्डर्स को हम काउंट करते हैं, एक सेक्सुअल मैसोकिज्म है और दूसरा सेक्सुअल सैडिज्म है। अब सेक्सुअल सैडिज्म क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। मैसोकिस्ट्स वो होते हैं जो पेन लेना पसंद करते हैं, जिनको आप जितनी ज़्यादा सेक्सुअली पेन इन्फ्लिक्ट करते जाएंगे उनको उतना ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर मिलता जाएगा। सेक्सुअल सैडिस्ट वो होते हैं जो तकलीफ देना पसंद करते हैं। चूँकि ये एडल्ट वीडियोस हैं, सारे के सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर ये वीडियोस मेरी देख रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर 18 ओवर, क्योंकि 18 से कम के लिए ये वीडियोस जो है ना वो मैं रिस्ट्रिक्शंस पे लगाई हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने आप में से जो है ना 50 Shades of Grey के बारे में सुना होगा, उसमें जो मेल करेक्टर था और वो क्या करता था कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को तकलीफ देना पसंद करता था, उसको अपनी फीमेल पार्टनर को तकलीफ दे के सेक्सुअल प्लेजर मिलता था। अब जो सेक्सुअल प्लेजर गेन करते हैं तकलीफ दे के, उनको हम सेक्सुअल सैडिस्ट का नाम देते हैं। अब जितने के भी मैंने पॉइंट्स अपने सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, अगर सारे के सारे पॉइंट्स आप उठा के सेक्सुअल सैडिस्ट पे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जबकि सारे के सारे मेथड्स वो बंदा यूज़ करेगा और अपनी फीमेल पार्टनर को या अपने मेल पार्टनर को तकलीफ दे के उसको खुशी महसूस हो रही होगी, जिसके अंदर हमारे पास था फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस थी, हमारे पास जो है ह्यूमिलिएशन थी, हमारे पास दो और ग्रुप्स भी थे जिनको मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब वो बंदा यूज़ करेगा और उसका सेक्सुअल प्लेजर जो है ना वो गेन हो रहा होगा, तो उसका हम सेक्सुअल सैडिस्ट का नाम देंगे। इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है कि जो मेल या फीमेल इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं 6 months का क्राइटेरिया होना चाहिए, उनके जो डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ हैं वो इस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब हों, लाइक वो डिस्ट्रेस्ड हो जाएं, उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, और जिसके ऊपर वो ये सारे के सारे जो है ना वो सेक्सुअल तशद्दुद अगर हम इसको कहें कि वो कर रहे हैं, वो बंदा भी इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहता हो, तब ये चीज़ जाके हम सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर के अंदर अकाउंट करते हैं, अदरवाइज हम इसको सैडिज्म या सैडिस्टिक ट्रेट्स का जो है ना वो नाम दे देते हैं। अब सेक्सुअल सैडिज्म के अंदर जो 3 से 4 चीज़ें आ जाती वो ये है पिक्यूरिज्म। पिक्यूरिज्म ये होता है कि जो सेडिस्ट होता है वो क्या करता है कि फीमेल को जाते जाते क्या करेगा कि उसके चेस्ट पे या उसके बेटक्स पे क्या करेगा कि कोई भी स्टैबिंग डिवाइस यूज करेगा, उसको मार के उसको जो है ना वो स्टैबिंग करके मार के भाग जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है पिक्यूरिज्म का, जिसकी वजह से सेक्सुअल सेडिस्ट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्लेजर गेन होता है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो एक टाइप आ जाती है मेजर की और एक टाइप आ जाती है बस माइनर्स की। मेजर सेडिस्ट जो होते हैं वो लस्ट मर्डरर्स होते हैं, नेक्रोफिलिक्स होते हैं और स्टेबर्स होते हैं। लस्ट मर्डरर्स कौन से होते हैं, लस्ट मर्डर सेडिस्ट्स कौन से होते हैं जो प्लेयर गेन करते हैं सेक्सुअल प्लेयर किसी को मार के। अब अगर एक मेल पार्टनर है और उसको सेक्सुअल प्लेजर गेन करना है तो वो क्या करेगा कि वो जो उसकी फीमेल पार्टनर होगी वो उसको मार देगा, और उसके उसको मारने के बाद जो है वो क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल प्लेजर जो है ना वो गेन होता जाएगा। ये होते हैं हमारे पास लस्ट मर्डरर्स। उसके बाद नेक्रोफिलिक्स आ जाते हैं। नेक्रोफिलिक्स क्या होते हैं, जो लोग अपने जो विक्टिम होता है उसको पहले मारते हैं लेकिन उसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं करते, कुछ भी उसके साथ नहीं करते, और जो डेड बॉडीज होती हैं फिर वो उन डेड बॉडीज के साथ जब इंटरकोर्स करते हैं तब हम उनको नेक्रोफिलिक्स का नाम देते हैं। नेक्रोफिलिक्स सेडिस्ट का नाम दिया जाता है। जेन्युइन
नेक्रोफिलिक्स होते हैं एंड ज्यूडो नेक्रोफिलिक्स होते हैं. जेन्युइन नेक्रोफिलिक्स वो होते हैं कि जिनका 6 मंथ्स का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है और वो क्या करते हैं कि 6 मंथ्स से उनके अंदर अर्जिस भी हैं, वो सारी की सारी फैंटेसाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को और उसके ऊपर एक्ट अपॉन भी कर रहे हैं. और जो ज्यूडो नेक्रोफिलिक्स होते हैं उनके बारे में ये चीज़ कही जाती है कि एकदम से कोई इंसिडेंटल उनके अंदर थॉट आई, उन्होंने अपने विक्टम को मारा, उसके साथ उसकी जो डेड बॉडी थी उसके साथ जो है ना वो इंटरकोर्स किया और वो चीज़ जो एकदम से हुई है वो ज्यूडो नेक्रोफिलिक्स के अंदर आ जाती है. उसके बाद अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास फ्लॉगिंग एंड स्टेबिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है. फ्लॉगिंग एंड स्टेबिंग बेसिकली ये होते हैं कि जो सेडिस्ट होते हैं वो सेक्शुअल प्लेजर गेन करते हैं किसी भी नाइफ से, रेजर से, ब्लेड से या फ्लॉगिंग. अब बेसिकली फ्लॉगिंग क्या होती है कि जो व्हिपिंग एंड केनिंग है, व्हिपिंग एंड केनिंग ये होती है कि आप अपने विक्टम को किसी छड़ी से मारें, आप अपने विक्टम को रस्सी से मारें या आप अपने विक्टम को कोड़े से या चाबुक से मारें. जो अगर आप रिपीटेडली करोगे तो वो फ्लॉगिंग में चीज़ आ जाएगी, उसको हम फ्लॉगिंग कहते हैं. और ये मेजर सेडिज्म होता है. मेजर सेडिज्म और माइनर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं अभी आगे चल के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. तो आई होप सो कि जो मेजर सेडिज्म के जो 3 चीज़ें आ जाती हैं, लस्ट मर्डरिंग, नेक्रोफिलिक्स एंड फ्लॉगिंग एंड स्टेबिंग, ये 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं मेजर सेडिज्म के अंदर. अब जो माइनर सेडिज्म है वो ये आ जाते हैं कि डिफाइलमेंट. सबसे पहले डिफाइलमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी फीमेल के साथ रेप करते हैं, उसको सेक्सुअली एजॉल्ट करते हैं और आप जो है वो उसको तकलीफ पहुँचा रहे होते हैं. अदर टाइप्स ऑफ एजॉल्टमेंट या अदर टाइप्स ऑफ सेडिज्म के सेडिस्टिक ट्रेट्स की ये चीज़ आ जाती है कि आप केनिंग करेंगे नॉर्मली, आप विपिंग करेंगे नॉर्मली, मतलब उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. वो इंटेंसिटी का सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है मेजर एंड माइनर के अंदर. अदरवाइज बाकी चीज़ें अगर माइनर के अगर हम देखते हैं तो सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं. सेडिज्म अगर आप एनिमल्स के जो है ना टूवर्ड्स करेंगे तो वो भी चीज़ आपकी माइनर के अंदर काउंट होगी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आपके अंदर सेडिस्टिक ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी अर्जिस बहुत हाई हैं, आपकी फैंटेसीज बहुत हाई हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन ऑल दोज थिंग्स, तो वो आपका माइनर सेडिज्म के अंदर आ जाएगा. तो आई होप सो जो आज का हमारा वीडियो था उसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सेक्सुअल मेसोकिज्म क्या होता है, सेक्सुअल सेडिज्म क्या होता है. और अगर हम इनको कलेक्टिवली बोले तो ये चीज़ हमारे पास आ रही थी सैडो मेसोकिस्टिक डिसऑर्डर्स की, और ये अकाउंट होते हैं एगोलेक्निक के अंदर. और जो मेन चीज़ें आ जाती हैं मेसोकिज्म या सेडिज्म के अंदर या जो मेन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो व्हिपिंग होती है, केनिंग होती है, स्पैंकिंग होती है, मतलब मारना, हर एक चीज़ के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर को ही गेन करना जो है ना वो पर्पज़ होता है. तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा कपल्स ऐसे हैं जो ये चीज़ें यूज़ भी करते हैं बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दीज पैराफिलिक ट्रेट्स. एंड आई होप सो कि मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये चीज़ अवेयरनेस जो है ना वो लेके आएगी कि अगर कोई भी इस तरीके का ट्रेट, कोई भी इस तरीके की चीज़ जो उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो उनको तकलीफ दे रही है तो घबराएं नहीं, आपके इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास मौजूद है. तो अगर आपको कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं. बट द ओनली पॉइंट इज कि खुश रहें, अपने आप का बहुत ख्याल रखें एंड टेक केयर ऑफ योर माइंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो. अभी भी जो हमारी पैराफिलिक की सीरीज है ये ख़त्म नहीं हुई, अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो भी पैराफिलिक्स पे ही होगी, लेकिन वो कौन से डिसऑर्डर्स होंगे इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा. टिल देन टेक केयर ऑफ योर माइंड.